जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा पर दिग्विजय चौटाला ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में उनकी हालत देख ली है, राजस्थान में भी कांग्रेस के बिखरने की चर्चा शुरू हो गई है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भी 31 विधायकों का जल्द ही बिखराव होगा। राज्यसभा चुनाव के नजदीक कांग्रेस का हरियाणा में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले राज्यसभा चुनाव में जो बीज बोए थे, इस बार उनके साथ भी वैसा ही होगा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार पर फैसला दुष्यंत चौटाला ही करेंगे। दिग्विजय चौटाला सिरसा में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव को लेकर इनसो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर जल्द ही इनसो की एक नई यूनिट का गठन किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव में इनसो बड़ी ताकत के साथ उभरेगी। उन्होंने छात्र संघ चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर छात्र संघ चुनाव में भाजपा और जजपा में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अभी फिलहाल भाजपा की ओर से छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है। कांग्रेस का तो बुरा हाल है, मध्य प्रदेश में आपने हाल देख लिया, राजस्थान में चर्चा शुरू होगी और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का सफाया हरियाणा में भी 31 जो लोग हैं जब राज्यसभा के चुनाव के वोट डलेंगे, इनने बोए थे, अब भूपेंद्र हुड्डा वही बीज काटेंगे, इनके साथ भी वही होगा जो इनने किया। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।